ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग। जो जिस टाइम वीडियो देख रहा हो उस टाइम का अभिवादन स्वीकार करें। आपकी गणित की क्लास डीपीडी सर के साथ यूट्यूब चैनल डीपी डिफेंस एकेडमी पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अपने नियम पूर्वक नियमित ढंग से अच्छे से वीडियो को देख करके अपनी पढ़ाई करें। आइए वीडियो प्रारंभ। हेलो क्लास 10th ऑल स्टूडेंट, आज हम आपको मैथ्स में चैप्टर 10 सर्कल की एक्सरसाइज 10.1 क्लियरली विधिवत आपको देने वाले हैं। बड़े ही ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिए। इस एक्सरसाइज से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके कंपिटेटिव एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। यहां पर तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही छोटी लगेगी बट आपके 10th एग्जाम में ऑप्शनल एंड कंपिटेटिव एग्जाम विधिवत आपके क्वेश्चन होते हैं तो हल्के में मत लीजिएगा प्लीज। आइए एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहते हैं हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है। एक सर्कल कितने टेंजेंट को रख सकता है? यह आपका सर्कल है और इस सर्कल पर आप कहां कहां टेंजेंट, इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। ऐसे सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जहां पे आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। तो एक सर्कल पर हाउ मेनी टेंजेंट्स, इनफाइनाइट कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, इनफाइनाइट टेंजेंट टेंजेंट्स आप ड्रा कर सकते हो। लिख सकते हो आंसर दियर कैन बी, देयर कैन बी इनफाइनाइट टेंजेंट्स टू अ सर्कल, जैसा कि देख रहे होंगे बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हो एक सर्कल पर। इनफाइनाइट टेंजेंट्स टू अ सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहते हैं अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट वन, यानी कोई भी टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करता है, यानी स्पर्श करती है। तो ये सर्कल है, अब एक टेंजेंट आपने ड्रा किया तो एक ही पॉइंट पे तो ये आपका टच करेगा, स्पर्श करेगी। तो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन वन, क्या भरेंगे आप वन। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स, इन टू पॉइंट इज कॉल्ड, यानी कोई सर्कल अगर दो पॉइंट को इंटरसेक्ट, यानी जिसे हम कहते हैं छेदक रेखा, या कह सकते हैं जो एक सर्कल को काटती हुई है, इसे कहते हैं हम छेदक रेखा यानी सिकेंट। सेकेंड ये जो है क्या कहते हैं इसको, दो पॉइंट पर, टू पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है। तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, हम इस रेखा को कहेंगे सेकेंड, यानी यहां पर क्या भरेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स में सेकेंड। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं इस बात को ध्यान में रखें, ये छोटी है पर आगे आपको
बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर टू, थर्ड पार्ट। अ सर्कल कैन है पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। किसी सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रा किए गए वो कितने टेंजेंट होंगे जो एक दूसरे के पैरेलल। अभी एक सर्कल है और सर्कल के ये जो डायमीटर है, डायमीटर के दोनों इस पॉइंट पर एक टेंजेंट अगर ये ड्रा किए जा रहे हैं तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। मींस ये दोनों जो ये टेंजेंट हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो कितने टेंजेंट ड्रा किए गए? टू टेंजेंट, ये टू हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का मींस क्वेश्चन नंबर टू का फोर्थ पार्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट के कॉमन पॉइंट टू अ सर्कल, सर्कल के कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे आप? तो उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर टू का फिल इन द ब्लैंक्स फोर्थ पार्ट थे। फोर्थ पार्ट आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थ्री। माय डियर, यदि आप नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी है तो उसे लाइक करें और अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सरसाइज 10.1। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ पी क्यू इज। आइए फिगर ड्रा करते हैं। एक सर्कल ड्रा करेंगे जिसका सेंटर ओ ले लेते हैं। सेंटर क्या ले लेते हैं? ओ ले लेते हैं। अब यहां पर एक टेंजेंट ड्रा किया गया है जो टच करता है पॉइंट पी। लिखा ना, और टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट आपने ड्रा किया है। पी क्यू और रेडियस ये ओपी, ओपी क्या है? रेडियस कितना गिवन? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, सेंटर ओ से एक लाइन थ्रू एट अ पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू पर गिवन सो दैट ओ क्यू, ओ क्यू मीन्स ये ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये आपको 12 सेंटीमीटर लेंथ पी क्यू, तो हमें ये पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है। वी नो दैट टेंजेंट दिस टचेज पॉइंट एट 90 डिग्री। You see, theorem O to P 90 degree
दिस ट्रायंगल पी ओ क्यू इज राइट एंगल ट्रायंगल. दिस ट्रायंगल पी ओ क्यू इज राइट एंगल ट्रायंगल. एट एंगल क्यू पी ओ, क्यू पी ओ इज 90 डिग्री. देन ओ क्यू इज हाइपोटेनियस. अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. ओ क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू ऑफ होल स्क्वायर प्लस ओपी ऑफ होल स्क्वायर. पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओ क्यू 12 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल पी क्यू ऑफ होल स्क्वायर प्लस ओपी. दिस वैल्यू 5 सेंटीमीटर 5 ऑफ होल स्क्वायर. स्क्वायर ऑफ 12 144 ट्रांसफर ऑफ होल स्क्वायर ऑफ 5 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू ऑफ होल स्क्वायर. पी क्यू ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू 14 सब्ट्रैक्ट बाय सब्ट्रैक्ट 5 इज 9 3 लेस देन 2 1 1. पी क्यू इक्वल टू रूट 119 सेंटीमीटर. करेक्ट ऑप्शन डी. करेक्ट ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. क्वेश्चन नंबर 4. ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू द सर्कल. क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा. हमें ड्रॉ करना है टू लाइंस पैरेलल किसमें अ सर्कल. तो हमने ये सर्कल बना लिया. अ सर्कल सेंटर ओ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट यानी टू लाइन. अब एक हमें टेंजेंट ड्रा करना है. अब टेंजेंट ये टेंजेंट ए बी जो पॉइंट सी पे टच कर रहा है और ए सेकेंड जी पी क्यू. यहां पर ये कह सकते हैं कि जो पी क्यू सिकेंट है पैरेलल इज ए बी. पी क्यू इज आर सिकेंट एंड ए बी इज अ टेंजेंट. ये आपको ड्रा करना था. ड्रा करके आपको ये चीज बताना है. अब ये एक्सरसाइज 10.1 इज कंप्लीट.
नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियोस। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपने अंत तक वीडियो को देखा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपको डीपी सर का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो और अपने जीवन को सफल सफल मंगलदायक बनाएं और अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।